संधोल से मनाली जा रही एचआरटीसी की बस त्रोपटा माता मंदिर के पास पहाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 वर्षीय बच्ची और उसकी मां भी शामिल है। घायलों का जोनल अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है। हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:15 पर हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त चालक और परिचालक के अलावा बस में 35 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार चालक ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया और बस पहाड़ी से जा टकराई और टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही कोटली पुलिस चौकी की टीम और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसपी मंडी पुनीत रघु और एसडीएम सनी शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। एएसपी पुनीत रघु ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच चल रही है और चालक सहित प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सोलन के हाउसिंग बोर्ड का सीवरेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। जो सेप्टिक टैंक हाउसिंग बोर्ड में बनाया गया था वो आज तक आरंभ नहीं हुआ है और गंदगी सीधे नाले में फेंकी जा रही है, जिससे कई उठाऊ पेयजल योजनाएं और जहां ये गंदगी एकत्रित होकर पहुंचती है वहां आसपास रहने वाले लोग तो नरक जैसे जीवन जीने पर मजबूर हो चुके हैं। गर्मी के मौसम में जहां लोग अपने दरवाजे खिड़कियां खुली रखती हैं ताकि खुली आबो हवा आए, लेकिन यहां पर लोग बदबू के कारण दरवाजे खिड़कियां बंद रखने पर मजबूर हैं। प्रदूषण विभाग और नगर परिषद के अधिकारी टांग पर टांग रखकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सारे हाउसिंग बोर्ड के शौचालय की गंदगी उनके घर के आगे आती है और जहां से इतनी दुर्गंध आती है कि वे अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल नहीं सकते हैं। बच्चे बीमार ना हो इसलिए वे उन्हें बाहर खेलने नहीं देते हैं। उन्होंने बताया कि जब से हाउसिंग बोर्ड बना है तब से उनका सेप्टिक टैंक खाली पड़ा है और गंदगी विभिन्न नालों के माध्यम से खुले में फेंकी जा रही है, जिसके बारे में वे कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष पद पर आखिरकार भाजपा का कब्जा हो ही गया है। राकेश चोपड़ा के सिर सजा है नगर परिषद अध्यक्ष का पद का ताज। घुमारवी नगर परिषद का अध्यक्ष पद का ताज राकेश चोपड़ा के सिर पर सजा है। अध्यक्ष पद के लिए चली रही खींचतानी को अब विराम लग गया है। एसडीएम के द्वारा दी गई तारीख व समय पर सिर्फ राकेश चोपड़ा के द्वारा ही अध्यक्ष पद पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसके चलते अन्य किसी के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। नामांकन पत्र दाखिल के लिए समय 10:30 एसडीएम के द्वारा निर्धारित किया गया था, पर दूसरा किसी के द्वारा भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं होने से 11 तक राकेश कुमार चोपड़ा को अध्यक्ष घोषित किया गया है। चोपड़ा को 3 भाजपा समर्थित पार्षदों के साथ उपाध्यक्ष व कांग्रेस की नेत्री रीता सहगल का समर्थन मिला है, जिसके चलते राकेश चोपड़ा अध्यक्ष पत्र काबिज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह नगर परिषद के सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो उन्हें जिम्मेवारी सौंपी है उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे और प्रदेश वो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए नगर परिषद के बासिंदों की समस्याओं को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि आगामी 22 जून को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठक में वर्षा जल संचयन पर ग्रामीणों को जागरूक करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में जल संरक्षण की दिशा में चेक डैम महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इस बारे में एक पत्र जारी कर सभी नागरिकों को वर्षा जल से अधिक संचयन के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में हमीरपुर जिला में ग्राम पंचायत स्तर पर
खड्डों व नालों पर चेक डैम निर्माण की संभावनाएं तलाश करने के लिए एक अभियान के रूप में सभी विकास खंडों में कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में चेक डैम निर्मित करने के लिए स्थल निरीक्षण का कार्य संबंधित खंड विकास अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। विभिन्न विकास खंडों में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित कर विशेष ग्राम सभा में भागीदारी तथा चेक डैम स्थल के लिए उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि चेक डैम में वर्षा जल का संचयन करके इस पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इससे आसपास की भूमि में नमी की मात्रा तथा भूजल स्तर में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। पौधारोपण के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने से भू संरक्षण करने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने समस्त ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें और अधिक से अधिक लोगों को विशेष ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए प्रेरित भी करें।